ये अभी हम 4300 के जो बल्ब हैं उसको रेडी कर रहे हैं। सिंगल ट्यूब आती है H3 की डिम लाइट के लिए, जो ये है, ये हमने डबल लगाई है, ये आप देखिए डबल ट्यूब्स लग गई हैं ये, और ये बीच वाली जो है लंबी ये HID की ट्यूब है, और ये दोनों H3 की राइट और लेफ्ट पे इसके ट्यूब्स हैं जो डिम लाइट में चलती हैं। डिम में पहले सिंगल लगी हुई थी तो हमने कहा डबल का ज़रा एक्सपेरिमेंट करते हैं। कल हमने जो 8000 के लगाया था उसमें डबल डिम में लगाई थी तो डिम बेहतर हो गई थी। तो हाईवे के लिए हमें चाहिए, और आगे फॉगी कंडीशंस भी होंगी तो उसके लिए हमें चाहिए 4300 के। तो हम ये डबल ट्यूब्स इसमें लगा के अब ये बल्ब गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे, और फिर आपको इसकी लाइट दिखाते हैं कि इसकी बीम कैसी आ रही है 200 वाट के ब्लास्ट के साथ, ब्लास्टर्स जो लोकल इसमें कहा जाता है। और बाकी ये है कि स्पेयर में हम अपने साथ एक और 4300 के का सेट साथ रखेंगे। ये दूसरी ट्यूब भी हमने रेडी कर ली है, और इसमें भी आप ये जैसे देखें कि 4300 के इसका कलर टेम्परेचर है, और दोनों हमने H3 की दोनों साइड पर ट्यूब्स लगा दी है। एक साइड तो लगी हुई थी, दूसरी साइड भी हमने लगा दी है। अब इसको भी हम गाड़ी में फिट करते हैं और फिर देखते हैं, टेस्ट ड्राइव पर गाड़ी निकालेंगे, फिर देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है डिम पर और फुल पर। ये अभी हमारी डिम लाइट चल रही है H3 की, ये डबल ट्यूब्स जो हमने एक एक लाइट में फिट करी हैं। गाड़ी अभी हमने निकाली है रोड पे चेक करने के लिए, और ये हमारी H3 की डबल ट्यूब्स जो है वो चल रही है। और अभी HID ऑन करते, अभी आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट लेगी। 4300 के बल्ब हैं इसमें, बहुत तेज़ हो गई है।